अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों के? तो ये थोड़े टाइम पहले मैंने सिंध का एक व्लॉग बनाया था, तो ये अब लेट हो गया मेरा अपलोड करना, तो आज मैं ये अपलोड कर रहा हूँ। कराची से हम निकल चुके हैं इस वक्त, और ये मेरे को जाना था उमरकोट ना, मीरपुर और उमरकोट के बीच में एक छोटा सा शहर है, वहाँ पे मैं गया था। तो मैंने ये पूरा रास्ते का और बाकी जो वहाँ का व्लॉग बनाया था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अभी जो है हम वो हैदराबाद के करीब है, मतलब यहाँ से थोड़ा ही दूर हैदराबाद है। और आप बाहर का व्यू चेक करें, मतलब जैसे जैसे आगे कराची से हम आगे जाते जा रहे हैं हैदराबाद की साइड, तो व्यू अच्छे से अच्छा होता जा रहा है। और ये जो आप अभी पानी देख रहे हैं, ये सब वही पानी है जो आपको याद होगा पिछले साल मानसून के अंदर सैलाब जो आया था, तो सर्दियों तक के जो है ये पानी ऐसे ही वहाँ पर भरा हुआ था। काफ़ी एरियाज़ के अंदर जो है वो पानी इसी तरीके से मौजूद था। और आप ये व्यू देखें, मतलब कराची से जैसे ही बाहर जाते हैं थोड़ा सा दूर गए, तो क्या ज़बरदस्त वहाँ पे कुदरत के नज़ारे होते हैं, बड़े बड़े खेत और हरियाली हरियाली, मज़ा आ जाता है मतलब। और ये मैं गया भी सर्दियों में था, तो सर्दियों में वहाँ पे गंदुम और सरसों की फसलें जो थी वो अलग ही मतलब एक जो है ना मंजर पेश कर रही थी, ज़बरदस्त मतलब मज़ा आ गया। कराची का कोई रिहायशी तो जब वो व्यूज़ देखता है ना, तो मतलब उसमें खो जाता है वो। तो इस वक्त जो है हम पहुंच चुके हैं हैदराबाद और मीरपुर खास के मोटरवे पे। ये देखें, ये इसका टूल भी आ गया, और ये जो है ना लिंक करता है हैदराबाद और मीरपुर खास के मोटरवे को। तो बस अब जो है ना थोड़ी ही देर में हम लोग मीरपुर खास में एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद एक घंटे की और ड्राइव है हमारी, तो जहाँ पे हमें जाना है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ये एक छोटा सा शहर है, और पीर पिथोरो का एक बहुत वहाँ पे मशहूर मज़ार है, और काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें वो मैं आपको एक्सप्लोर करूँगा इंशाल्लाह साथ साथ। फाइनली जो है वो हम लोग मीरपुर ख़ास को क्रॉस करते हुए आगे आ चुके हैं, और ये रास्ता जो है ये बिल्कुल हमारी डेस्टिनेशन पे जा रहा है, पीर पिथोरो की साइड पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब दोनों साइडों पे खेत चल रहे हैं, और बीच में एक रास्ता है, खूबसूरत नज़ारे बिल्कुल जो है ना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। ये जो आप साइड में देख रहे हैं, इसके अंदर ज़्यादातर आम के बागात हैं, और इसके अलावा गंदुम और सरसों के खेत भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं।
तो गाइस फाइनली जो है वो हम पिथोरो के अंदर एंटर हो गए। ये जो रोड है ये सीधा बिल्कुल पिथोरो की साइड पे जा रहा है। अभी इंशाल्लाह थोड़े से आपको व्यू भी दिखाता हूँ मैं, बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा पिथोरो, और जो भी यहाँ की अच्छी मशहूर जगह है वो भी आपके साथ इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगा और शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।